नहीं बेटा प्लीज आप ऐसा मत करिए, आप ऐसा मत बोलिए, आप ऐसा पढ़िए वैसा पढ़िए, आप बेसिक तरीके से चलिए, आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। अल्टीमेट लक्ष्य है वो अब आपके बहुत पास है। ये जो समय है बहुत क्रूशियल है, आप बहुत सारी चीजों को अभी मैनेज स्टिल भी कर सकते हैं। तो आपको अपने गार्ड्स को नीचे नहीं रखना है, आपको फाइट मारना है एंड तक, जिस दिन तक आपका आखिरी पेपर का आखिरी क्षण आपसे नहीं निकल जाता ना, तब तक आपको फाइट मारना है क्वेश्चंस के साथ। राइट, बहुत सही। दिमाग में ड्रॉप का ऑप्शन अभी मत सोचना बेटा, क्योंकि अभी भी मौका है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि अगर तुम खुद से हार मान जाओगे ना, तो फिर दूसरा तो तुम्हें कोई जिता ही नहीं सकता, जिताने वाले सिर्फ तुम ही हो अपने आप को। तो नेवर गिव अप, नेवर सरेंडर। आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है कि लाइफ जितनी आपके ऊपर प्रॉब्लम्स फेंक रही है उससे लड़ना ही आपके पास एक ऑप्शन है। ठीक है, राइज अप एंड गो बीस्ट मोड, बिल्कुल राक्षसीय मूड में आ जाओ भाई साहब। जो मिला है उसको नोच के खाने वाला मोड है आपके लिए, बीस्ट मोड पे जाओ और वो सारी चीजें छीन लो जो आप डिजर्व करते हो, जो आपने किसी दिन सोचा था कि सर मैं ये चीज डिजर्व करता हूं, उसको छीन लो। ठीक है, अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इससे सीखना और दूसरे को सिखाना। अपने जूनियर्स को भी ये बात बोलना कि यार ज्यादा हवा में नहीं चलना है। कुछ देव, जब मैं बोलता था कि मेंस का पेपर है, मेंस के पेपर के लिए आपको सबसे पहले, जिनका खराब हुआ उनके लिए बात करूंगा, फिर एडवांस की हम लोग बात करेंगे कुछ। ठीक है, जिनका खराब हुआ मैं अभी भी कह रहा हूं, आपके पास जो भी समय है प्लीज आप रंग बिरंगी चीजों पे मत जाइए, गो फॉर दी नोट्स, गो फॉर दी फॉर्मूला, गो फॉर दी बेसिक्स। आप अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं और आपने पूरे साल भर कितनी फालतू चीजों के लिए, अल्टीमेट आपके लिए भी कह रहा हूं, पूरे साल कितनी फालतू चीजों के लिए लोड लिया कि सर मेरे उस टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा। अब आपको टेस्ट के वो भी याद नहीं होंगे कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था। मैं कहता हूं ये सारी चीजें भूल जाओगे आप, ये सारी चीजें भूल जाओगे। सर मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही, मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही, सर मैं ये किताब लगाऊं या वो किताब लगाऊं, सर आप एडवांस पढ़ाओ, सर आप ये कराओ, वो सारी चीजें आज मैटर नहीं कर रही। लेकिन उस पूरे प्रोसेस में जो आपने चीज गवा दी, अब आपको वो सामने दिखने लग गई है। और यही चीज के लिए हम लोग हमेशा आपको मोटिवेट करते थे कि नहीं बेटा प्लीज आप ऐसा मत करिए, आप ऐसा मत बोलिए, आप ऐसा पढ़िए वैसा पढ़िए, आप बेसिक तरीके से चलिए, आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। हम लोग बार 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 आपको रीडायरेक्ट कर रहे थे कि जो एक बेसिक प्रोसीजर है जेई मेंस के लिए, क्वेश्चन लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट समझ रहे हैं। आपने फॉर्मूला लगा दिया, वो फॉर्मूला वहां लगता ही नहीं, क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट जरूर देखिए बेटा। आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स आपकी कहां से पता लगेंगी, जब तक आप घर पे थ्योरी पढ़ रहे हो आपको नहीं पता चलेगा यार। जब आप एग्जाम दोगे, टेस्ट दोगे, उसकी गलतियां पता लगेंगी, उसी को कहते थे सीखो ना यार। बेटा आपने मेहनत करी है, लेकिन वही बात है ना, कुछ कुछ कमियों को आपने वो करके आपने गवा दिया अपना। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी दिस इज नॉट द एंड, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी संभल जाओ। अपनी गलतियां जो आप टेस्ट में से आपने दी हैं उनको समझिए, आपकी कैलकुलेशन एरर की गलतियां हैं, या फिर आपकी रीडिंग की गलतियां हैं, या फिर आपका कंसेप्चुअल गलती है, या फिर आंसर मार्क करने की गलती है। आप पहले एनालाइज कर लीजिए कि आपसे क्या गलतियां हुई हैं। ठीक है,